हेलो गाइस, तो गाइस आज मेरा ये फर्स्ट डे ब्लॉग है और हम अपने सरकारी स्कूल के सामने खड़े हैं जहाँ पे इस टाइम पे लंच टाइम हो रहा है शायद, और बच्चे खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं, दिखाइए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और अब हम गाइस चलेंगे, आज आपको हम लेके चलेंगे अपने रेलवे वाले पुल की तरफ, चंबल नदी के ऊपर जो पुल बना है उसकी तरफ लेके चलेंगे। तो गाइस आओ हमारे साथ चलते हैं। और राज भाई, गाइस हम आपको आज ले जा रहे हैं रेलवे के पुल की तरफ, चंबल नदी है जो चंबल नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार बरकरार रखिए गाइस। गाइस अपने गांव से अब थोड़ा बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मेन रोड की तरफ। यहाँ से पुल स्टार्ट होता है, मतलब रेल की पहले पटरी है, उसके बाद गाइस पुल है। तो गाइस चलो हमारे साथ। हाँ तो गाइस ये हमारे गांव का तालाब है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल हरा भरा है। और गाइस यहाँ पे तालाब में चिड़िया विड़िया जो है वो चहक रही हैं। तो ये हमारे गांव का तालाब है और अब हम आगे बढ़ेंगे गाइस और आपको लेके चलेंगे मेन रोड की तरफ। पूरा आप दिखा दीजिए राज भाई, पूरा मंजर। तो गाइस देखा आपने, हमारे गांव का तालाब है। अब हम आपको लेके चलेंगे मेन रोड की तरफ जहाँ से शुरू होता है वो रास्ता रेलवे के पुल का, जो चंबल नदी के ऊपर पुल बना है, आपको पूरा हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ चलिए, आओ आओ। तो चल रहे हैं गाइस, ये मंदिर है बजरंगबली का और हम जा रहे हैं वहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ जहाँ से वो रास्ता चालू होता है। और एक ही हमारे भाई हैं जो लकड़ियाँ काट रहे हैं, उनको दिखा दीजिए। ये लकड़ियाँ काट रहे हैं भाई हमारे, मुस्कुरा रहे हैं। और एक ही हमारे प्रशांत भाई है, हाथ ला रहे हैं। तो ये हमारे तपसी वाले बाबा का मंदिर है और हम बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारा गांव थोड़ा ख़त्म सा हो जाता है, उसके बाद दो चार घर और मिलेंगे। तो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बगीचे टाइम में बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, ये रोड है। और गाइस ये दिखाइए आप, बगीचे टाइम में बना हुआ है पूरा। तो गाइस चलो आज चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। इधर साइड देखिए हमारा गाँव का खेत खलिहान है, ये कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये घर है और ये खेत वेत है, देख सकते हैं आप। ये डीपी जो ट्रांसफार्मर है वो लगा हुआ है। और गाइस हम चल रहे हैं आगे की तरफ, इधर देखिए चारों तरफ खेत आपको दिखाई देंगे। बीच में से ये रास्ता गया है गाइस, यहाँ पे हम चल रहे हैं। तो आपको लेके चलेंगे आज, दिखाएंगे आपको चंबल का बेड़ भी वहीं पे मिलेगा, वो भी दिखाएंगे। चंबल का जो पुल बना हुआ है रेलवे का वो आपको दिखाएंगे। तो आज चालू करो, कल तो बनाओ ना, चालू करो। तो गाइस ये हमारे खेत वेत हैं और इधर साइड भी दिखाइए, इधर भी खेत, चारों तरफ देखेंगे आप खेत वेत हैं। और सरसों, इस टाइम पे सरसों का सीजन है, सरसों बबी हुई है खेतों में। बहुत बढ़िया मंजर लग रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है, दिल में सुकून मिल जाता है ऐसे देख कर। और गाँव तो गाँव ही है गाइस, आप जानते हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको लेके चलेंगे आज, तो चलो मेरे साथ हैं। और गाइस हम चंबल के जो रेल का पुल है उसके पास में आ चुके हैं, वो देखिए आप देख सकते हैं उधर वो पुल है, हमें वो उधर जाना है। और नीचे रेल की पटरी गई है जहाँ से ट्रेनें निकलती जाती हैं। राज भाई थोड़ा जूम करके दिखा दो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल भीड़ है, जंगल है और कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ से रेल निकलती है और ये रहा रास्ता, यहाँ से हम जाएंगे गाइस। तो आप चलते हैं राज भाई, इधर से रास्ता है और हमें वहाँ पे जाना है। और चलते हैं आगे की तरफ और ये रहा रास्ता, इधर से गाइस रास्ता है, इधर से रास्ता है जाने का उधर। और ये चंबल का बियाड़ है, बहुत घना है, जंगल है। अभी तो आधे रास्ते पे नहीं पहुँचे हैं, अंदर जाएंगे, आपको चंबल नदी भी दिखाएंगे और आपको पुल भी दिखाएंगे जो चंबल नदी के ऊपर बना है रेलवे का, जो एमपी और यूपी को जोड़ता है। तो गाइस चलिए आप हमारे साथ, आ चुके हैं और देखिए हम चले जा रहे हैं पुल की तरफ। और ये देखिए आप, सुनसान जंगल सा है ये पूरा,
जिसके बीच में ये रेल की पटरी गई है हमारे गांव से नीचे उतर कर, मतलब गांव हमारा ऊपर रह जाता है उधर साइड। अब ये भीड़ चालू हो गया, चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल जंगल मिलेगा आपको। अब यहाँ पे घर वर नहीं मिलेंगे क्योंकि हम भीड़ में जंगल में आ चुके हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं और हमारे साथ है राज भाई हमारे, जो जिन्होंने कैमरामैन का काम संभाल रखा है, बड़ी बखूबी निभाते हैं जो कि कैमरामैन का काम। और ये एडिटर हैं, ये वीडियो अच्छी एडिट करते हैं और अपना सब सपोर्ट बरकरार रखे हमारे ऊपर, जिससे हम और नए नए ब्लॉग ला सके। गाइस इधर दिखाइए राज भाई, बिल्कुल देख सकते हैं आप बियर्ड है, बिल्कुल जंगल टाइप में बना हुआ है। और ही और इधर रेलवे का पटरी गई हुई है, रेलवे की यहाँ से ट्रेन होकर गुजरती है। तो गाइस हम जा रहे हैं अब, तो चलो हमारे साथ चलते हैं। तो गाइस ये पार्ट टाइप में, मतलब थोड़ा टीले टाइप में बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब सुनसान जगह पे है हम, और गाइस इधर है घना जंगल, मतलब इधर क्या चारों तरफ घना जंगल ही है गाइस यहाँ पे हम जा रहे हैं। और ये रेल की पटरी गई हुई है गाइस, तो आपको बता दें कि इधर जो किसान लोग हैं वो आते जाते हैं, ऐसे कि देखिए यहाँ पे खेत पड़ते हैं, ऐसे यहाँ पे खेत वेत है नहीं। और आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए आप कितना घना जंगल है गाइस, रात में भी क्या दिन में भी यहाँ पर आने से लोग डरते हैं। चंबल घाटी का जंगल है गाइस, तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा। हाँ जो लकड़ी वकड़ी लेने के लिए आते हैं वही यहाँ पे आते जाते हैं गाइस। तो हम अभी पुल तक चलेंगे चंबल के, तो आओ गाइस चलते हैं हमारे साथ। और हम जा रहे हैं सीधा सीधा, वो देखिए जूम करके दिखाइए थोड़ा सा, हमें पुल दिख रहा है यहाँ से, वहीं तक हमें जाना है गाइस। अगर आपको दिख रहा हो तो चलो राज भाई आ जाओ। तो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा बीड़ का नज़ारा, चंबल के बीड़ का नज़ारा थोड़ा आपको दिखा देते हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुनसान शांत जंगल है, शांत बीड़ पड़ा हुआ है यहाँ पर गाइस। और हम थोड़े पीले के ऊपर चढ़े हुए हैं अभी, पेड़ पौधे आपको हर प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और सुनसान सन्नाटा देखने को मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है इधर। तो आओ गाइस अब हमारे साथ चलते हैं आगे की तरफ, हम जाएंगे पुल की तरफ जहाँ। गाइस ये देखिए सुनसान बीड़ आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ही यहाँ पर हमें आगे तक देखने को मिलेगा। कोई भी घर कोई भी कुछ यहाँ पर है नहीं, सिर्फ जंगल और सुनसान बीड़ है, कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं पर अभी दिन में तो नहीं, वो रात में ही शायद निकलते हैं। तो हम चल रहे हैं पुल की तरफ जो कि धीरे धीरे पास आता ही जा रहा है, पर ये रेल की पटरी है इधर गाइस, ऊपर भी भीड़ क्या पीले वीले बने हुए हैं। तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा गाइस, हमारे ऊपर अपना सपोर्ट बरकरार रखें जिससे हम और भी वीडियो ला सकें आपके लिए, नई नई जगह पर जा सकें और नई नई वीडियो ला सकें, आपको मनोरंजन कर सकें, हमारे लिए अपना प्यार बरकरार रखें गाइस। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। बस हमें देखो पत्थर वत्थर देखने में कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हैं रेलवे की पटरी के बगल में, शायद नीचे टूट टूट कर ये छोटे छोटे जो पत्थर ये बने हुए हैं। और ये बिल्कुल भीड़ है नहीं यहाँ पर, तो हम चलते हैं आगे की तरफ गाइस। अब देख सकते हैं सुनसान भीड़ है, जंगल है यहाँ पर, कुछ नहीं देखने को मिलेगा और बिल्कुल जंगल टाइप में ये है गाइस। तो हम यहाँ पे देखा हमने ये थोड़ा सीन आपको दिखा दी, और आगे की साइड में वो पुल है चंबल नदी के ऊपर जो बना हुआ है। तो आओ राज भाई आगे चलते हैं। तो गाइस धीरे धीरे हम उस पुल की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं वो पुल अब पास में ही आ गया है जो कि चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और इधर देखिए गाइस बिल्कुल सुनसान भीड़ है, चंबल का भीड़ है ये, यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी। यहाँ पर सुन सन्नाटे के अलावा आपको कुछ और दिखाई तो देने को नहीं मिले, और धीरे धीरे पुल आ रहा है, अब हम पुल पर पहुँचेंगे तब आपको दिखाएंगे आगे। तो गाइस हम यहाँ पर पटरी पे आ चुके हैं, और सामने आपको दिख रहा होगा जो पुल है चंबल का वो बना हुआ है, तो हम उधर ही अब चलेंगे। और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और सुनसान जंगल है, डर तो नहीं लग रहा है हमें क्योंकि हम यहाँ पर आते जाते हैं, बिकॉज हमारे गाँव के अंदर ही है, हमारा आना जाना यहाँ पे लगा रहता है गाइस। बल्कि जब लेकिन अगर यहाँ पे कोई बाहर का आएगा तो वो उसको डर लग सकता है, वो खो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल घना जंगल है और एक जैसे रास्ते हैं गाइस, तो आपको पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ से घुसे कहाँ से निकले।
तो गाइस यहाँ पर हमें एक हड्डी जली हुई मिली है, शायद किसी जानवर की होगी जो ट्रेन से कट के मर गया होगा, तो उसकी हमें हड्डी मिली, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब धीरे धीरे हम पुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पटरी पर चल रहे हैं। और तो गाइस हम आ चुके हैं पुल के बिल्कुल करीब, और शायद उस पुल पर आ ही चुके हैं, और इधर देख सकते हैं आप, राज भाई दिखाइए, ये चंबल नदी है गाइस, और ये चंबल का बियर है जहाँ पे पहले डाकू रहा करते थे, अब तो कोई नहीं रहता है पहले। और देखिए आप कितना सुनसान ये भेड़ पड़ा है, जंगल पड़ा है, और चंबल नदी आपको देखने को मिल रही होगी, कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है, ये बहुत उत्तम दृश्य लग रहा है। अब ये चंबल का बोर्ड लगा है, चंबल लिखा है इस पर, और इसके आगे गाइस पुल है। तो गाइस अब हम आगे चल रहे हैं पुल की तरफ, और आप देख सकते हैं ये चंबल नदी कितनी प्यारी लग रही है, और कितना अच्छा दृश्य लग रहा है गाइस यहाँ का। ये ट्रेन का पुल है, और गाइस उधर साइड वो आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो वो गाड़ियों का पुल है, जहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है, बसें ट्रक ठेले डंपर सब कुछ चलते हैं गाइस। और हम पुल के ऊपर आ चुके हैं गाइस, और गाइस इधर चंबल नदी है, चंबल का बियड है, और कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई लग रहा है, ये बहुत मस्त है, बहुत लप लग रहा है ये दृश्य। तो गाइस हम पुल पे चल रहे हैं, और यहाँ पे हमें दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो कुछ घास वास ले रहे हैं, जूम करके दिखाओ, एक बाबा और एक दादी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, घास वास ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं अपने जानवरों के लिए खिलाने के लिए गाइस। और चंबल नदी है गाइस यहाँ पर, इधर भी देख सकते हैं आप, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और कुछ आपको दिखाई देगा नहीं। उधर गाड़ी का पुल है, गाड़ियाँ चल रही हैं, और इधर एक भाई साहब भी बैठे हुए हैं गाइस जो कि वीडियो देख रहे हैं, और ये यहाँ पे कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पे ड्यूटी देते हैं अपनी, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, धूप वूप सेक रहे हैं। तो हम आगे चलेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं, पर रहा हूँ। तो गाइस हम पुल पे चल रहे हैं, और बहुत अच्छा सीन लग रहा है गाइस, हम इस पे चल के देखेंगे, चढ़ के पुल के ऊपर, और देख सकते हैं आप कितना हसीन सीन लग रहा है, ये बहुत मस्त सीन लग रहा है गाइस। ये हमारी चंबल नदी है, चंबल का पियर है, यहाँ पे पहले डाकू वाकू रहा करते थे, तो हम गाइस पे जाके देखेंगे अभी। और गाइस देख सकते हैं आप, राज भाई दिखाओ, बिल्कुल पूरा इधर चंबल नदी है, अभी थोड़ी सूख चुकी है, बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नदी, और यहाँ तक यहाँ देख सकते हैं पूरा डूब जाता है गाइस। और अभी तो खैर सूखी हुई है नदी, इतनी ज़्यादा भरी हुई नहीं है, और पूरा बियर जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम आगे चलेंगे गाइस, देख सकते हैं आप, तो आओ राज भाई आगे चलते हैं। गाइस तो हम आगे चल रहे हैं उनके पुल पर, चलते जा रहे हैं, चंबल नदी, चंबल का बियर आपको दिखाया हमने, और चंबल का पुल आपको दिखाया, कितना कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कबूतर वबूतर चिड़िया उड़िया उड़ रही है, और बहुत अच्छा नज़ारा है गाइस यहाँ का, दिल खुश कर देता है ऐसा नज़ारा देखकर। और इधर देखिए आप, पूरा ये किनारा है चंबल नदी का, रेत पड़ी हुई है, और यहाँ पे मछलियाँ वछलियाँ भी बहुत है नदी में, इधर देखिए इधर भी आप रेत वेत आपको दिखाई देगी, और बहुत सुंदर मतलब कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग दृश्य है यहाँ का, बहुत मस्त दृश्य है, चंबल नदी है गाइस। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम आए, आपको चंबल का पुल दिखाया जो यूपी और एमपी को जोड़ता है, और चंबल नदी दिखाई, और यहाँ का जंगल बियर दिखाया चंबल का, और देख सकते हैं आप हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हम नदी के ऊपर आ गए हैं, हम नदी के ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप इधर एक कछुआ हमें दिखाई दे रहा है नदी में, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, जूम करके दिखाओ थोड़ा, दिखाई दे, एक कछुआ तैर रहा है नदी के अंदर, वो देखो डूब गया, अब तो वो डूब गया,
दिखाई दिया था। तो यहाँ पे जीव जंतु तो होते ही है, पानी में कछुए मछलियाँ मगरमच्छ सब कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस चम्बल नदी है ये, और हम आ गए आपको लेके, दिखाया हमने सारा दृश्य चम्बल नदी का। तो हम यहाँ पे खड़े होंगे क्योंकि खड़े होने के लिए जगह बनाई गई है स्कूल पे, अगर ट्रेन व्रेन आए तो हम यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। और अब चम्बल नदी देख सकते हैं आप बिल्कुल, होने छोड़ जाऊंगा पास से सूर्य काम खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल पास से चम्बल नदी आप देख सकते हैं, हम चम्बल नदी के ऊपर खड़े हैं और बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये चम्बल नदी है और रेलवे का पुल है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। तो इसी के साथ गाइस हम अपने वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद गाइस।